अंग्रेजी भाषा में एक बड़ा प्यारा शब्द है चाइल्ड लाइक। जब किसी वयस्क को चाइल्ड लाइक कहा जाए तो इसका मतलब वो तारीफ पा रहा है, उसे बच्चों सा निर्दोष और सरल कहा जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि हर बच्चा एक संदेश लेकर दुनिया में आता है। संदेश ये कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ, उसे अब भी मानवों से उम्मीद है। लेकिन क्या आप किसी बच्चे के हत्यारे होने की कल्पना कर सकते हैं? सोच सकते हैं कि कई बच्चे मिलकर एक हत्याकांड को अंजाम दें, दर्जनों लोगों को बेरहमी से मार डालें? मुझे बहुत अफसोस से बताना पड़ रहा है कि ये सारी बातें सच हैं। इस महीने की शुरुआत में एक भीषण कत्लेआम हुआ और अब खबर आई है कि उसे अंजाम देने वाले ज़्यादातर हत्यारे बच्चे थे। ये क्या मामला है, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करेंगे एक लव स्टोरी से। करीब 900 साल पुरानी बात है। कहते हैं कि उस दौर में एक राजकुमारी थी येनगा, बहुत सुंदर बहुत प्यारी, अपने पिता की आंखों का तारा। उसे सज संवर कर छुईमुई बने रहना पसंद नहीं था। वो अपने पिता और तीनों भाइयों की तरह योद्धा बनना चाहती थी, घुड़सवारी सीखना चाहती थी, लेकिन उसके समाज में लड़कियों को इन सब की मनाही थी। येनगा ने बड़ी मिन्नतें करके पिता को मनाया और जल्द ही वो अपने समय के सबसे निपुण योद्धाओं में गिनी जाने लगी। उसके युद्ध कौशल ने पिता को कई जीत दिलवाई। येनगा अप्रतिम योद्धा थी, लेकिन वो प्रेम भी करना चाहती थी, लेकिन पिता उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने येनगा को कैद कर लिया। बागी येनगा एक रात घोड़े पर बैठकर जंगल में भाग गई और वहां उसकी भेंट हुई शिकारी रायल से। दोनों में मोहब्बत हुई, उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया ओजरेगू। उनकी भाषा में ओजरेगू का मतलब था घोड़ा। जिस घोड़े पर बैठकर येनगा पिता की कैद से भागी थी, उसी के सम्मान में उन्होंने बेटे का ये नाम रखा था। ओजरेगू बड़ा होकर अपनी माँ जैसा ही कुशल योद्धा साबित हुआ। उसने एक साम्राज्य की नींव रखी। उसके वंशजों का कबीला कहलाता है मोसे, और ये मोसे ओजरेगू की माँ येनगा को अपने कबीले की माँ मानते हैं। कहाँ रहता है ये मोसे कबीला? पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है बुर्किना फासो। स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है ईमानदार लोगों का देश। दुनिया के नक्शे पर इसकी लोकेशन देखिए। इसके उत्तर और पश्चिम में है माली, पूरब में है नाइजर और बेनिन, दक्षिण में है घाना और दक्षिण पूर्व में है आइवरी कोस्ट। बुर्किना फासो की राजधानी है वागाडुगू। इस देश की आबादी है करीब 2 करोड़। इन 2 करोड़ में 5% आबादी मोसे समुदाय की है। बाकी की आबादी 5 मुख्य कबीलों में बटी है, जिनके नाम हैं गुरुंसी, सेनफो, लोबी, बोबो और फुलानी। मेजॉरिटी मोसे समुदाय का प्रभाव आपको देश के राष्ट्रीय चिन्ह पर भी दिखता है। यहाँ का नेशनल एम्बलम देखिए, इस पर 2 सफ़ेद घोड़े हैं। ये घोड़े मोसे समुदाय की प्रिय मातृशक्ति से जुड़े हैं। ये प्रतीक हैं उस बहादुर येनगा के, जिसके आज़ाद मन ने पिता, समाज और परंपराओं से जुड़ी किसी बेड़ी को नहीं माना। अब थोड़ा ब्रीफ में इस देश बुर्किना फासो की हिस्ट्री जान लेते हैं। साम्राज्यवाद के दौर से पहले यहाँ मोसे समुदाय का शासन था। ये भूभाग मोसे एम्पायर का अंग था। ये साम्राज्य असल में कई छोटी छोटी कबीलाई राजशाहियों का सम्मिलित रूप था और इसकी गिनती सबसे मजबूत प्राचीन अफ्रीकन साम्राज्यों में होती थी। फिर 1896 में यहाँ पर फ्रेंच आए। उन्होंने बुर्किना फासो को गुलाम बनाया। कुछ साल तक ये सेनेगल नाइजर फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा रहा। 1919 में आकर फ्रांस ने इसे एक सेपरेट कॉलोनी का स्टेटस दिया और नाम रखा अपर वोल्टा। इस नाम का सोर्स है वोल्टा नदी। ये नदी बुर्किना फासो के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में है। राजधानी वागाडुगू के पास से बहती हुई ये घाना जाती है। चूंकि बुर्किना फासो नदी की ऊपरी दिशा में बसा है, इसलिए फ्रांस ने कॉलोनी का नाम अपर वोल्टा रखा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनिज्म के दिन लदने लगे और 1957 में फ्रांस ने अपर वोल्टा को स्वायत्त रिपब्लिक का दर्जा दिया। उसके पास अब स्वशासन का अधिकार था, लेकिन अभी वो पूरी तरह आज़ाद नहीं था। उसे पूरी आज़ादी मिली 3 बरस बाद 1960 में, और फिर बुर्किना फासो के पहले राष्ट्रपति बने मॉरिस यामेओगो। अपर वोल्टा आज़ाद हो चुका था, लेकिन अफ्रीका के कई और मुल्कों की तरह इसको अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। और इस अस्थिरता की बड़ी वजह क्या थी? इकॉनमी। देश की माली हालत पस्त थी। नई सरकार से उम्मीद थी कि वो बेहतरी लाएगी, लेकिन यामेओगो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई।
और अभावग्रस्त जनता इसके चलते सरकार से नाराज हो गई और इस नाराजगी का फायदा उठाया जनरल लमिजाना के नेतृत्व में सेना ने। और जनरल लमिजाना ने क्या किया, तख्ता पलट किया। लेकिन लमिजाना भी बेहतर विकल्प नहीं निकले, उन्होंने युक्तियां भिड़ाकर कुर्सी अपने पास रखने पर ध्यान दिया, जनता की भलाई पर नहीं। उनका कुछ दशक तक शासन चला। 1980 में उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एक बार फिर तख्ता पलट हुआ और 3 साल के भीतर बैक टू बैक दो और तख्ता पलट। इन सब के बाद 1983 में देश के राष्ट्रपति बने कैप्टन थॉमस संकारा। उन्हें बहुत सम्मान से याद किया जाता है देश में, कई लोग उन्हें अफ्रीका का चे गुएरा कहते हैं। संकारा रिवोल्यूशनरी थे। उनके सत्ता में आने के समय अपर वोल्टा दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। उनके आते ही देश की इकोनॉमी दुरुस्त होने लगी क्योंकि वो इसके प्रयासों में जुट गए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो खेती को प्रमोट किया ताकि देश खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर बने। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया, देश में बने उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया, हेल्थ और एजुकेशन को भी दुरुस्त करने की कोशिश की, महिलाओं की दशा सुधारने से जुड़ी नीतियां भी बनाई। संकारा ही थे जिन्होंने 1984 में अपने देश का नाम अपर वोल्टा से बदलकर बुर्किना फासो रखा। कहा कि अपर वोल्टा तो साम्राज्यवादी फ्रांस का दिया नाम है, उनका देश क्या सिर्फ वोल्टा नदी के पास की एक लोकेशन भर है, ये नाम ढोता क्यों रहे वो। संकारा साम्राज्यवाद के चलते अफ्रीका को हुए नुकसान पर खूब मुखर थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो साम्राज्यवादी ताकतों की बड़ी मजम्मत करते। इसी क्रम में उन्होंने ऐलान किया कि बुर्किना फासो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कर्ज नहीं चुकाएगा। तर्क क्या था उनका, इन कर्जों का संबंध साम्राज्यवाद से है, जिन्होंने हमें कर्ज दिया वो वही हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उन्होंने ही हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया था, उन्होंने हमारे नाम पर अपने महाजन भाई भतीजों से पैसा लिया और वो कर्ज अफ्रीका के माथे पर लाद दिया, हमारा उस कर्ज से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए हम वो कर्ज नहीं भरेंगे। जानकार कहते हैं कि अगर संकारा सत्ता में रहते तो बुर्किना फासो बेहतर होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 15 अक्टूबर 1987 को कभी उनके करीबी दोस्त रहे ब्लेज कुपाओरे ने संकारा की हत्या कर ली और सत्ता हत्या ली। इस हत्या के पीछे भी फ्रांस पर उंगली उठती है। संकारा को मारकर कुपाओरे 27 साल तक सत्ता में बना रहा। इस लंबी तानाशाही के दौरान बुर्किना फासो की हालत और बिगड़ गई, इकॉनमी ठप, लोगों के लिए पेट तक भरना मुश्किल। ऐसे में देश के राजस्व का सबसे बड़ा जरिया था सोने की खदानें, वो भी बंद हो गई। महंगाई, बेरोजगारी और भूख के खिलाफ जनता आए दिन सड़कों पर उतरने लगी। लेकिन इनकी हालात सुधारने के बजाय कुपाओरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा में लिप्त रहा। हालत ये हो गई कि सरकार के पास कर्मचारियों का वेतन तक देने के पैसे नहीं बचे। खबरें आती थी बुर्किना फासो से कि सैनिकों और राष्ट्रपति के गार्ड्स ने वेतन न मिलने पर बगावत कर दी। देश में अराजकता ऐसी कि पुलिस और सेना तक के बीच हिंसक झड़पें होने लगी, दोनों एक दूसरे पर गोलियां दागने लगे। इस व्यापक निराशा के बीच जुलाई 2013 में हुए एक डेवलपमेंट का देश पर बड़ा असर हुआ। खबर आई कि कुपाओरे कार्यकाल बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन करने जा रहे हैं। ये जानकर जैसे लोगों का सब्र खत्म हो गया हो। देश के कई शहरों में जनता सड़कों पर उतर आई, महीनों तक प्रोटेस्ट चलते रहे। इस जबरदस्त जनविद्रोह के चलते अक्टूबर 2014 में कुपाओरे को गद्दी छोड़नी पड़ी। और पता है इस बगावत में जनता ने किसे अपना नायक माना, करीब 3 दशक पहले मारे गए अपने पूर्व राष्ट्रपति संकारा को। नवंबर 2015 में बुर्किना फासो में नए सिरे से राष्ट्रपति के चुनाव हुए और इसमें जीत हासिल हुई रॉक मार्क क्रिस्टियन काबोरे को। अब वो राष्ट्रपति बन गए, पहले भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। इस सरकार का कार्यकाल नवंबर 2020 में पूरा हुआ। इस महीने फिर से चुनाव हुए और इसमें भी काबोरे को जीत मिली। अब आता है सवाल कि ये इतिहास बुर्किना फासो का हम आज क्यों सुना रहे हैं। इसकी वजह जुड़ी है करीब 20 दिन पुरानी एक वारदात से। बुर्किना फासो में यागहा नाम का एक प्रांत है, इसमें सोलहान नाम का एक गांव है। ये जगह नाइजर और बुर्किना फासो की सीमा पर स्थित है। 4 जून 2021 की बात है, देर शाम इस गांव में कई हथियारबंद हमलावर आए और उन्होंने सोलहान गांव पर हमला कर दिया। निहत्ते ग्रामीणों को गोलियों से भून दिया, कई घरों को आग लगा दी। रात भर ये तांडव चला हिंसा का, जिसमें 138 से ज़्यादा लोग मारे गए। मृतकों के अलावा करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सरकार ने इस घटना के बाद देश में 72 घंटे के राष्ट्रीय शोक का और जाहिर तौर पर जांच का ऐलान किया। अब इस हत्याकांड से जुड़ी एक खौफनाक जानकारी सामने आई है। यूनाइटेड नेशंस और बुर्किना फासो की सरकार के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हमलावरों में
ज्यादातर बच्चे थे, 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे। किस हिंसक संगठन ने इन बच्चों से ये हत्याएं करवाई, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है। ये बच्चे कौन थे? ये थे चाइल्ड सोल्जर। इसका मतलब क्या हुआ? 18 साल से कम उम्र के ऐसे लड़के लड़कियां जिन्हें किसी आर्म्ड ग्रुप ने रिक्रूट कर लिया, अपनी फौज में शामिल कर लिया। ऐसा नहीं कि चाइल्ड सोल्जर सिर्फ युद्ध करते हों, आतंकवादी संगठन और मिलिशिया ग्रुप इन्हें जासूसों और मानव कवच की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और कई बार इनके शरीर में बम बांधकर आत्मघाती हमले भी करवाए जाते हैं। दुनिया में इस समय 3 लाख से ज़्यादा चाइल्ड सोल्जर्स हैं, इनमें तकरीबन 40% लड़कियाँ हैं। ये लड़कियाँ ज़्यादातर दो तरह से इस्तेमाल होती हैं, या तो इन्हें सेक्स गुलाम बनाया जाता है या फिर सुसाइड बॉम्बर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, सीरिया, यमन, नाइजर, नाइजीरिया समेत करीब 20 ऐसे देश हैं जहां पर चाइल्ड सोल्जर्स एक्टिव हैं। और कोई बच्चा चाइल्ड सोल्जर बनता कैसे है? इसकी एक बड़ी वजह है किडनैपिंग। आतंकवादी संगठन और मिलिशिया ग्रुप बचपन में उन्हें अगवा करते हैं, 6-7 साल के बच्चों को हथियार थमा देते हैं, शर्त रखते हैं जिंदा रहना है तो कातिल बनना होगा। कई बच्चे गरीबी और अभाव के चलते भी इन ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं और कईयों के तो माँ बाप पैसों के लिए उन्हें आर्म्ड ग्रुप्स को बेच देते हैं। आपने कोविड से हो रहे कई तरह के नुकसान के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि कोविड ने भी हजारों बच्चों को चाइल्ड सोल्जर बनाया। कैसे? पिछले साल कोरोना के चलते कई देशों में लॉकडाउन लगा, महीनों तक स्कूल बंद रहे, इकॉनमी भी लुढ़क गई। गरीब देशों का हाल सबसे ज़्यादा बुरा हुआ और जब पेट भरना मुश्किल हो तो स्कूल लग्जरी लगता है। इस वजह से कई बच्चे कामगार बन गए। स्कूल जब दोबारा खुले तब तक लाखों बच्चे स्कूल से दूर हो गए। ऐसे कई बच्चे आर्म्ड ग्रुप्स के चंगुल में फंसकर चाइल्ड सोल्जर बन गए। यूएन के मुताबिक केवल सेंट्रल और पश्चिमी अफ्रीका में ही पिछले साल 3000 से ज्यादा बच्चे इस तरह से सिपाही बने, नाबालिग सिपाही। वापस आते हैं बुर्किना फासो पर। सोलहान नरसंहार में बच्चों के शामिल होने की खबर से पूरा देश सदमे में है। और ऐसा नहीं कि चाइल्ड सोल्जर्स के बारे में उन्हें पहली बार पता चला हो, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार उनके लिए शॉकिंग है। क्या ये पहला बड़ा आतंकवादी हमला था यहाँ? नहीं, पिछले करीब 6 साल से ये देश आतंकी हिंसा की चपेट में है। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे कई आतंकवादी संगठन यहाँ सक्रिय हैं और वो कई दफ़ा राजधानी वागाडुगू को भी निशाना बना चुके हैं। मसलन जनवरी 2016 में राजधानी स्थित एक कैफे पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 29 लोग मारे गए। दिसंबर 2016 में भी आतंकवादियों ने एक मिलिट्री बेस में घुसकर 11 सैनिकों की हत्या की। अगस्त 2017 में फिर से राजधानी स्थित एक रेस्तरां को निशाना बनाया गया जिसमें 18 लोग मारे गए। फिर मार्च 2018 में आतंकवादियों ने फ्रेंच दूतावास को टारगेट किया, इसमें भी 16 लोगों की जान गई। हालात इतने ख़राब हैं कि नवंबर 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आतंकवादियों के डर से देश के उत्तरी भाग का बहुतायत हिस्सा वोट भी नहीं कर पाया। आतंकियों द्वारा होने वाली हिंसा अब यहाँ रूटीन बन गई है। इसके चलते पिछले 2 साल में करीब 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा पड़ोसी माली देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। और इतनी आम हो चुकी मारकाट में जब ये पता चले कि छोटे छोटे बच्चे हत्यारे बनकर घूम रहे हैं तो उम्मीदें जैसे टूटने लगती हैं। हिंसा के चलते देश में करीब 2,500 स्कूलों पर ताला लगा है। इन सबको मिला दें तो प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या 3 लाख तक है। सोचिए इनमें से कितने बच्चे आर्म्ड ग्रुप्स का शिकार होंगे। ये उसी हिंसा का बारूद बनेंगे जिसने इनकी और इनके परिवारों की जिंदगी बर्बाद की। आखिरी में एक फिल्म का जिक्र करूंगा। 2006 में ब्लड डायमंड नाम की एक फिल्म आई थी। ये कहानी एक हीरे की तो है ही, साथ में एक मछुआरे और उसके 12 साल के बेटे की भी कहानी है। मछुआरे की ख्वाहिश है कि बेटा डॉक्टर बने, पर सपना पूरा नहीं होता। एक दिन शहर में हथियारबंद लड़ाके घुस आते हैं, खून खराबा करते हैं। मछुआरे का परिवार मरने से बच जाता है, लेकिन बेटा उन शैतान बागियों के हाथ लग जाता है। कहाँ उसे डॉक्टर बनना था, कहाँ उसके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, वो हत्यारा बन जाता है। चाइल्ड सोल्जर्स पर और भी कई फिल्में हैं जैसे बीस्ट ऑफ नो नेशन, वॉर विच, जॉनी मैड डॉग। समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।